नमस्कार दोस्तों, महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। दोस्तों, बिग अपडेट डीपीआई से निकल करके आया है लोक शिक्षण संचालनालय से। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के लिए जो दस्तावेज सत्यापन किए गए थे, उन अभ्यर्थियों के लिए जो पात्र पाए गए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया गया है। यानी जो फाइनली सूची है वो जारी कर दी गई दोस्तों। ये आप लोग खुद टीआरसी पोर्टल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु विभाग द्वारा मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराया गया था। इसमें अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट व प्रतीक्षा सूची सहित जिला चयन हेतु जो विज्ञप्तियों की रिक्त संख्या के आधार पर जो है आदेश जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह दावा नहीं करेगा नियुक्ति का, ये लिख दिया गया है। इसके बाद खास बात ये दी गई दोस्तों कि अभ्यर्थी जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन करें। स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले और जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अर्थात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिले का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। ध्यान से इस चीज़ को आप चयन करते समय ध्यान में रखेंगे। और जो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेगा, वो चयन प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल जो है आप लोग देख सकते हैं टीआरसी पोर्टल पर जाकर के। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक आपको जिलों का चयन करना है, जिला चयन करके लॉक करना है। इसके बाद फाइनली स्कूल के लिए जो जिलावार चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आपको उस जिले में जहाँ पर रिक्त पद है वहाँ पर आपको जो है नियुक्ति की जो है कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो ये जो है एक और स्पेशली नोट करके दिया गया साथियों, प्राथमिक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजाति कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं। आपकी चयन सूची में नाम आया नहीं आया, आप तुरंत जाकर के टीआरसी पर चेक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।